हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। बाथरूम डीप क्लीनिंग की वीडियो तो आप देख चुके हैं, तो चलिए आज कर लेते हैं किचन की डीप क्लीनिंग। दिवाली क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा हिम्मत जिस एरिया को क्लीन करने के लिए चाहिए होती है वो किचन ही है, क्योंकि पूरे घर में भी उतना सामान नहीं होता जितना सिर्फ अकेली किचन में होता है। और उस सारे सामान को बाहर निकालना, सभी कैबिनेट, सभी ड्रॉर्स को क्लीन करना, पूरी किचन को क्लीन करना बहुत टफ जॉब है, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन अपने काम को कम करने के लिए मैं किसी भी तरह के कंटेनर, कोई भी क्रॉकरी या फिर कोई भी बर्तन उनको क्लीन नहीं करने वाली जो ऑलरेडी साफ। ऐसे कंटेनर्स या ऐसी क्रॉकरी जिनको हम बहुत कम यूज करते हैं, सिर्फ उन्हीं को क्लीन किया जाएगा। बाकी सभी चीजों को मैं बस वाइप करके वापस एज इट इज रख दूंगी। किचन की डीप क्लीनिंग करने का काम वैसे ही काफी ज्यादा होता है, ऊपर से आप साफ चीजों को दोबारा साफ करते रहें तो उसका कोई यूज नहीं। सो अपना टाइम और एनर्जी उन चीजों को क्लीन करने के लिए लगाएं जिनको आप बहुत टाइम तक क्लीन नहीं करते हैं। तो एक बड़ा पतीला पानी का मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और इसे बॉइलिंग टेम्परेचर तक हम गर्म करेंगे, क्योंकि हमें चिमनी साफ करनी है और चिमनी साफ करने के लिए हमें कोई ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखेंगे कि बहुत ही इजीली हम चिमनी कैसे साफ करते हैं। इस चिमनी के साथ एक ट्रे लगी हुई है जिसमें सारा ऑयल इकट्ठा हो जाता है और आप देख सकते हैं पिछले 4 महीने से मैंने ये चिमनी साफ नहीं की है। और स्टफी भी आज हैरान है कि पूरा सामान किचन का निकाल के बाहर क्यों रखा है और ये सब लोग सफाई करने में क्यों जुटे हुए हैं। किचन को क्लीन करने में थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन सबने ही दिया, लेकिन जैस्मिन पूरा टाइम मेरे साथ थी बट ऑफ कैमरा। तो चलिए पानी गर्म हो चुका है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा गर्म है तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। तो इसे किसी बर्तन में आप डाल लीजिए, ऐसे बर्तन में जिसमें आपकी चिमनी पूरी आ सके। तो मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम कास्टिक सोडा। अगर आपकी चिमनी बड़ी है या उसके प्लेट्स ज़्यादा हैं तो आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसे पानी में डालते वक्त बहुत ही ध्यान से डालिए, क्योंकि एक एसिड है, अगर आपकी स्किन पे कोई छींटा पड़ जाएगा तो आपको इरिटेशन हो सकती है। बस अब चिमनी की प्लेट्स को मैंने इसमें डिप कर दिया है और 5 मिनट के बाद ऐसे ही इनको साफ निकाल लूंगी बिना कोई और मेहनत किए। चलिए जब तक हमने चिमनी को डिप किया है तब तक हम डस्टिंग कर लेते हैं। तो वॉल पे कोई डस्ट लगी है, जाले लगे हैं तो वो आपके सब निकल जाने चाहिए, और जो भी मिट्टी गिरेगी वो आपके कैबिनेट्स के ऊपर वाली साइड गिरेगी और उसके बाद हम उन्हें क्लीन करेंगे। तो मैं कैबिनेट्स के ऊपर न्यूज़पेपर बिछा के रखती हूँ ताकि इतना ज्यादा डस्टी ना हो जाए कि क्लीन ना हो पाए। यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ न्यूज़पेपर नहीं था वहाँ पे कितनी ज़्यादा डस्ट है, और अगर पूरी जगह पे न्यूज़पेपर नहीं होता तो ये पूरा डस्ट के साथ भरा होता। लेकिन कोई बात नहीं, ये डस्ट निकल जाएगी वैक्यूम क्लीनर से और उसके बाद बस हम वाइप करेंगे और साफ। तो चलिए अब बना लेते हैं एक पेस्ट जो आपके ग्रीसी एरिया को बहुत ही इजीली क्लीन कर देगा। तो आपको चाहिए बेकिंग सोडा, थोड़ा सा चाहिए डिश वॉश सोप, साथ ही हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सिरका, यानी कि हमने इसका थिक पेस्ट बनाना है, इसको रनी नहीं करना है। किसी भी ग्रीसी एरिया पे लगा के 5 मिनट छोड़ दीजिए और बिना किसी मेहनत के साफ कर दीजिए। इस DIY पेस्ट के बिना हो सकता है कि डीप क्लीनिंग हो भी जाए, बट मेहनत और टाइम दोनों ही ज़्यादा लगेंगे। और इसका साथ देने के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जो गंदगी को एक ही वाइप में क्लीन करके आपका टाइम बचाए, क्योंकि इंडियन खाने में ऑयल का कितना इस्तेमाल होता है और हमारी किचन कितनी ग्रीसी हो जाती है ये हम सब जानते हैं। और इसकी सफाई के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो हाईली अब्सॉर्बेंट मटेरियल से बना हो। तो स्कॉच ब्राइट के स्पॉन्ज वाइप्स ने मेरी क्लीनिंग रूटीन की जॉब को काफ़ी ईजी कर दिया है, क्योंकि एक ही स्वाइप से पूरी गंदगी साफ हो जाती है और ये कपड़े की तरह पीछे वाटरमार्क भी नहीं छोड़ते। अपनी डेली रूटीन में भी किचन को क्लीन करने के लिए मैं इनका ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इनको क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करना और इनको मेंटेन करना दोनों ही कपड़े से बेटर हैं। कितनी भी डर्ट इन पे लग जाए बट टैप के नीचे इजीली आप इन्हें क्लीन कर सकते हैं। दिन भर कैसे भी इस्तेमाल कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रात को एक बार साबुन से धो लीजिए, इसकी लाइफ और बढ़ जाएगी। बीच में से पकड़ कर निचोड़े नहीं क्योंकि ये खराब हो जाएंगे, हाथ में इकट्ठा करके बस स्क्वीज कर, बहुत ही सिंपल। सो एक फ्रेश वाइप आपको फिर से रेडी मिलेगा। किचन अप्लायंसेस को क्लीन करने के लिए मैंने अलग कलर रखा है ताकि पहचान रहे। क्लीनिंग के लिए उस ओल्ड स्टाइल कपड़े को छोड़कर आप इन स्कॉच ब्राइट स्पॉन्ज वाइप्स का इस्तेमाल करके देखिए, तो आप भी मेरी तरह कहेंगे डोंट वाइप 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 जस्ट स्वाइप। मेरे पास जो यूज्ड वाइप पड़ा है जो काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ, उसका इस्तेमाल मैं आज डीप क्लीनिंग में करूँगी ताकि बाद में उसको फेंक सकूँ। आज मैं अपनी किचन से काफ़ी ग्रीस निकालने वाली हूँ। अगर आप भी स्कॉच ब्राइट वाइप्स को ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले इस पेस्ट को मैं अप्लाई कर रही हूँ किचन फैन पे, काफी ग्रीसी हो चुका है, बिना इस क्लीनर को अप्लाई किए इसे क्लीन करना काफी मुश्किल होगा। बस अप्लाई करके 5-7 मिनट छोड़ देंगे, तब तक अपनी चिमनी क्लीन कर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और स्टफी को वहीं खड़े होना है जहां पे मैं काम कर रही हूँ, ये पूरा टाइम मेरे साथ रहने वाला है।
चिमनी के पार्ट्स को डिप के हुए 5 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया है, ज़्यादा टाइम भी डिप रह जाए तो कोई नुकसान नहीं है, अदरवाइज ये 2-3 मिनट में भी क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि इनको पानी में डिप करते ही एसिड अपना काम शुरू कर देता है। वो ग्रीस जिसे साबुन के साथ रगड़ रगड़ के आप थक जाएंगे लेकिन वो निकलने का नाम नहीं लेगी, उसे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ईजिली वो क्लीन हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार अपने चैनल पे चिमनी क्लीन करना बता रही हूँ, इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस में कास्टिक सोडा के साथ चिमनी क्लीन करना बता चुकी हूँ, लेकिन कई बार कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि कास्टिक सोडा क्या होता है और ये कहाँ पे मिलेगा, तो मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि कास्टिक सोडा एक एसिड है जो इजिली ग्रीस को निकाल देता है और ये आराम से आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिल जाएगा। सफाई तो अच्छे से हो गई है लेकिन कभी किसी पार्ट पे आपको थोड़ी सी चिकनाई ज़्यादा लगे तो साबुन लगा के भी उसे साफ कर सकते हैं। तो चलिए चिमनी का काम खत्म हुआ तो वापस चलते हैं पंखे के ऊपर जिसमें हमने वो पेस्ट लगा के रखा था, अब क्लीन करना है। अब इसी पेस्ट को मैं लगा रही हूँ चिमनी की ऊपरी साइड जहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, क्योंकि चिमनी की ऊपरी साइड भी बहुत ज़्यादा ग्रीस होती है तो इससे ये इजीली क्लीन हो जाएगा। और इसके बाद यही पेस्ट अप्लाई करूँगी मैं गीज़र पे, और किचन में सिर्फ ये एक गीज़र ही है जो पिछले साल क्लीन हुआ था, उसके बाद से ये अभी तक क्लीन नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी हाइट पे है तो यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत नहीं होती और ना ही टाइम मिलता है, तो इसी वजह से ये हमेशा इग्नोर होता रहता है, लेकिन आज इसे भी क्लीन कर लेते हैं। अगर किसी एरिया पे आपको ग्रीस बहुत बुरी तरह से जमी हुई नज़र आए तो हल्के हाथ से आप स्क्रब भी कर सकते हैं, तो जिस तरह की चिमनी के ऊपर की साइड जो ग्लास लगा है उस पे ग्रीस काफ़ी थिक थी तो वो पेस्ट अप्लाई करने के बाद मैंने हल्के हाथों से स्क्रब किया और उसके बाद साफ कर दिया। तो माइक्रोवेव, चिमनी, गीज़र तीनों मैंने साफ़ कर दिए थे लेकिन गीज़र के बिल्कुल टॉप पे मेरा हाथ नहीं पहुंचा, तो फिर मैंने उदय को बुलाया था कि तुम्हारा हाथ पहुंच जाएगा तो ऊपर भी अच्छे से साफ़ कर दो, तो चलिए उदय की हेल्प से गीज़र बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। ये है मेरी क्रॉकरी कैबिनेट, इसमें आइसक्रीम कप्स और कुछ और कप्स को छोड़ के ऐसा कोई सामान नहीं है जिसे हम रूटीन में यूज़ नहीं करते, तो यही फ़ायदा होता है जब घर में बड़ी चीज़ों को आप रूटीन में यूज़ करते रहते हैं तो उन पे धूल नहीं जमती। तो बस मुझे सामान हटा हटा के सिर्फ शेल्फ को साफ़ करना है और कुछ एक बर्तनों के अलावा बाकी सबको एज इट इज़ वापस रख देना है। तो यहाँ मैंने वो बर्तन धो के रख दिए हैं जिन्हें धोने की ज़रूरत थी। तो लीजिए हो गई मेरी क्रॉकरी कैबिनेट की भी सफाई, तो कुछ चीज़ों की सेटिंग चेंज की और सामान वापस रख दिया। वुडन कैबिनेट्स हों, ग्लास कैबिनेट्स हों, वुडन ड्रॉर्स हों या फिर स्टील ड्रॉर्स हों, सबको क्लीन करने के लिए मैं जिस क्लीनर का इस्तेमाल कर रही हूँ उसे भी आप घर पे ही बना सकते हैं। तो 50% इसमें डालिए विनेगर, 50% वाटर और 25% डालेंगे डिश वॉश सोप।
स्प्रे बॉटल में फिल करके इसको शेक कर लीजिए और इसी के साथ अपने सारे ड्रॉर्स एंड कैबिनेट्स क्लीन कीजिए। तो एक तरह से ये आपका डिसइंफेक्टेड क्लीनर ही बन जाता है। तो काफ़ी इजी हो जाएगी इससे क्लीनिंग आपकी। स्प्रे कीजिए, वाइप कीजिए, स्प्रे कीजिए और वाइप कीजिए। जहाँ यहाँ पे आपको स्टेन्स थोड़े टफ लगे वहाँ आप सोप और स्क्रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज इसी से आपकी सारी किचन क्लीन हो जाएगी। अपने स्पून एंड स्पैचुलर रैक्स में मैंने इस बार नॉन स्लिपेबल शीट्स बिछा दी हैं, जिससे कि ये रैक गंदा होने से बच जाएगा। सिर्फ शीट्स निकालूंगी और उनको वॉश कर लूंगी। तो ये है मेरी पेंट्री यूनिट, जैसे आप बहुत सारी वीडियोस में देख भी चुके हैं। तो इसके कंटेनर्स को मेरे को इकट्ठा साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कंटेनर हर बार साफ होता है जब भी वो खाली होता है, यानी कि हर कंटेनर को मैं रिफिल करने से पहले वॉश जरूर कर लेती हूँ। तो आज बस इन सभी कंटेनर्स के पुराने लेबल हटा के थोड़ा सा वाइप कर देंगे, नए लेबल लगा के इनको वापस इंस्टॉल कर देंगे। इस काम में मेरी हेल्प कर रही है आपकी प्यारी जैस्मिन ठाकुर। स्प्रे करते करते इलेक्ट्रिकल स्विचेस को बचा के रखें, बाकी इस क्लीनर से आप किसी भी एरिया किसी भी चीज़ को क्लीन कर सकते हैं। सिंक को बहुत अच्छे से साफ करने के लिए उस पर बेकिंग सोडा डाल दीजिए, उसके ऊपर विनेगर डाल दीजिए, साथ ही डाल दीजिए थोड़ा सा डिश वॉश ब्रश के साथ। इसे सब जगह पे अप्लाई करके 5 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद एक बार फिर से ब्रश करेंगे और पानी के साथ साफ कर देंगे, तो चमकती हुई सिंक्स आपके सामने होंगी। तो चलिए, क्लीनिंग हो चुकी है तो मैं आपको फटाफट से ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको ये बताने लगूंगी कि कौन सी कैबिनेट में कौन से ड्रॉर में क्या क्या रखती हूँ तो ये वीडियो आधे घंटे की बन जाएगी, तो वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में दिखा दूँ। लेकिन फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं राइट कॉर्नर से, जहाँ पड़ा हुआ है एक जूसर, मिक्सर, मिक्सर ग्राइंडर और साथ ही एग बॉयलर। उसके साथ ही थोड़ा सा आगे यहाँ पे बना हुआ है टी एंड कॉफ़ी कॉर्नर, यहाँ पे टी, शुगर, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ होता है। एक नाइफ स्टैंड है और ये चॉपिंग बोर्ड था मेरा पुराना जो ख़राब हो गया था, तो इसको मैंने यूज़ किया है इन सब चीज़ों को रखने के लिए। इसे पॉलिश पेंट करवाने का सोच रही हूँ, उससे शायद इसकी लुक और भी ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। और ये गैस स्टोव, इस काउंटर टॉप का मोस्ट ऑफ द एरिया मैं खाली रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुकिंग करना इजी रहता है। और ये माइक्रोवेव, वो चमकती हुई चिमनी जिसे हमने बहुत अच्छे से क्लीन किया है। और जो मेरी मेन हेडेक थी, गीजर बहुत अच्छे से साफ हो गया है। सिंक के पास मैंने यहाँ पे एक बास्केट रखी है, जिसमें डस्टिंग क्लोथ्स को साफ करने के लिए एक डिटर्जेंट सोप है, हैंड वॉश है, स्प्रे बॉटल है, एक ब्रश है सिंक को साफ करने के लिए और एक स्टील वूल स्क्रबर है। सिंक के बिल्कुल ऊपर की साइड यहाँ मैंने एक सोप होल्डर लगाया है, एक डिश वॉश बार और साथ में एक स्क्रबर रहता है, और साथ ही लेफ्ट हैंड साइड डिश वॉश लिक्विड, स्पून स्टैंड और एक टॉल। थोड़ा सा आगे चले जाएं तो ये है एक छिपा हुआ कॉर्नर, यहाँ पे आप जो चाहे छिपा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक लिड स्टैंड रखा है जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी लिड्स लगा रखी हैं। यहाँ है पानी का मटका और पानी के मटके के पीछे मैंने एक रैक रखा है जिसमें हमने सारी बॉटल्स रखी हैं, जैसे कि हनी की बॉटल्स, पीनट बटर, च्यवनप्राश, केचप बॉटल्स और साथ में पिकल स्टैंड। और अगर ये सब चीज़ें मैं फ्रंट काउंटर टॉप पर रखूँ तो पूरा काउंटर टॉप इन्हीं चीज़ों से भर जाएगा, तो इसीलिए इस सारे सामान को मैंने मटके के पीछे एक कॉर्नर दे दिया है, तो इसीलिए मैं इसे कहती हूँ छिपा हुआ कॉर्नर। तो यहाँ पे इस रैक और लिड स्टैंड के अलावा ट्रेज और फ्रूट बास्केट्स भी होती हैं। और इसी रैक के बिल्कुल ठीक ऊपर दो ग्लास शेल्फ्स हैं, जिनमें कुछ मसाले की डिब्बियों के अलावा कुछ और बॉटल्स भी हैं। पेंट्री यूनिट की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पूरी एक डिटेल्ड वीडियो है मेरे चैनल पे, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो इसकी भी आज मैंने क्लीनिंग करके सारे कंटेनर्स पर नए लेबल लगा के इनको वापस रख दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ हद तक आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।